एडिट करके तूने इमेज मेरा मीम बना दिया, मेहनत करके तेरे भाई ने पूरा खुद का टाइम लाया मैंने सबसे बड़ा काम। तो भाई लोगों, जैसा कि अभी आपने स्टार्टिंग वीडियो को देखा, इस तरह का वीडियो इंस्टाग्राम के साथ साथ किसी भी प्लेटफॉर्म के लिए क्रिएट करना चाहते हो तो इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखना। और आपसे एक रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को अभी से लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन दिखाई दे रही है आपको पास में, उसको ऑल पे सेलेक्ट जरूर कर लिए कि मैं जैसे वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो गाइज, यहाँ पे मैंने काइनमास्क ओपन कर लिया है और यहाँ पे आपको प्लस आइकन पे क्लिक करना होगा और जो बीच वाला फॉर्मेट आपको दिखाई दे रहा है आपको इसको सेलेक्ट कर लेना होगा ताकि आपको यहाँ पे एक फुल स्क्रीन इंटरफेस मिल सके। तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको मिल जाएगा। अब सबसे पहले आपको मीडिया के ऑप्शन पे जाना होगा। मीडिया पे क्लिक करने के बाद बैकग्राउंड में आपको क्लिक करना होगा। यहाँ से एक बैकग्राउंड को सेलेक्ट कर लीजिए और बैकग्राउंड को सेलेक्ट करने के बाद इसमें जो को यहाँ पे कलर दिखाई देगा, कलर में जाने के बाद आपको ये वाला कलर सेलेक्ट कर लेना होगा। उसके बाद में आपको इसके ड्यूरेशन को कर देना होगा यहाँ पे पूरा 22 या फिर 21 सेकंड तक। कुछ इस तरीके से करने के बाद देखो यहाँ पे दोनों को लिखा आता है, यहाँ पे इसको थोड़ा जूम आउट कर लीजिए, मतलब यहाँ पे कुछ इस तरीके से सेलेक्ट करने के बाद स्टार्टिंग पोजीशन पर आ जाना होगा। और यहाँ पे फिर से आपको अब लेयर के ऑप्शन पे जाना होगा और मीडिया पे जाने के बाद बैकग्राउंड में जाने के बाद एक वाइट बैकग्राउंड को सेलेक्ट कर लीजिए। तो यहाँ पे मैंने सेलेक्ट कर लिया इसको इस तरीके से रोटेट करने के बाद, और यहाँ पे आपको सेलेक्ट कर लेना होगा। तो यहाँ पे गाइज देखो, अच्छी तरीके से देखना, जैसे जैसे मैं बताऊँ उसी तरीके से आपको वीडियो को यहाँ पे एडजस्ट करना होगा। तो देखो यहाँ पे मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया है। अब यहाँ पे इसको भी पूरा लास्ट तक लेके जाना होगा, यहाँ पे सभी को पूरा लास्ट तक लेके जाना होगा। तो यहाँ पे करने के बाद लेयर के ऑप्शन पे जाने के बाद मीडिया पे जाना होगा, फिर से यहाँ पे एक और वीडियो को मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो गाइज कुछ इस तरीके से देख पा रहे हो, यहाँ पे एक वीडियो मिल जाएगा जिसको मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया है। इसको आपको मैं प्ले करके दिखाता हूँ। तो गाइज इसका टेक्स्ट आपको यहाँ से 1-2 सेकंड तक इसको आगे से कट कर लेना होगा। तो आपको वीडियो पे क्लिक करना होगा और यहाँ पे देखो सीजर पे जाने के बाद इसको आपको यहाँ पे ट्रिम टू लैपटॉप अपलोड कर लेना होगा ताकि आपका वीडियो आगे से कट सके। तो इसको यहाँ पे देखो उठा के आपको इसको आगे की तरफ लेके आना होगा। तो यहाँ पे आपको वीडियो आगे सेलेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे सेलेक्ट करने के बाद आपको नीचे की तरफ यहाँ पे स्लाइड करना होगा। देखो यहाँ पे आपको मिलेगा एक ब्लेंडिंग का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करने के बाद आपको फोर्थ में आप जैसे स्क्रीन करोगे ब्लैक कलर आपको यहाँ पे हाइड हो जाएगा, जो टेक्स्ट आएगा वो यहाँ पे आ जाएगा। तो आपको टेक्स्ट को यहाँ पे थोड़ा जूम करना होगा, रोटेट करना होगा कुछ इस तरीके से, और यहाँ पे आपको रख देना होगा। तो यहाँ पे करने के बाद अब एक यहाँ पे फोटो को सेलेक्ट करना होगा, फोटो होनी चाहिए PNG फोटो। लेयर के ऑप्शन पे जाने के बाद मीडिया पे जाना होगा। मैं फोटो को आपको दिखा देता हूँ किस तरह की आपकी फोटो होनी चाहिए। तो यहाँ पे देखो और PNG फोटो, यानी कि इसका बैकग्राउंड मैंने रिमूव कर दिया है। आपको डिस्क्रिप्शन देना होगा, वहाँ पे हाउ टू मेक PNG फोटो के नाम से एक वीडियो मिलेगा, आपको पता चल जाएगा 2 सेकंड में, ओनली फॉर 2 सेकंड में आप एक PNG फोटो बना सकते हो, मतलब अपनी फोटो का बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हो। तो देखो यहाँ पे मैंने फोटो को सेलेक्ट कर लिया है, फोटो को करना होगा आपको सेंड टू बैक। देखो सेंड टू बैक मैंने कर दिया और टेक्स्ट पे क्लिक करना होगा, आपको टेक्स्ट वाले लेयर पे क्लिक करना होगा, इसको सेंड टू बैक कर देना होगा ताकि फोटो के पीछे ये चली जाए। तो इस तरीके से आपकी फोटो यहाँ पे सेलेक्ट हो जाएगी। अब यहाँ पे एक बीट को सेलेक्ट करने से पहले आपको लेयर के ऑप्शन पे जाना होगा, मीडिया पे जाने के बाद बैकग्राउंड में जाना होगा, यहाँ पे वाइट बैकग्राउंड को सेलेक्ट कर लीजिए। इसको देखो मैंने फुल जूम कर लिया। क्रॉपिंग के ऑप्शन पे आपको जाना होगा, देखो यहाँ पे क्रॉपिंग मिलेगा साइड में। क्रॉपिंग के ऑप्शन पे जाने के बाद इसको पूरा यहाँ पे क्रॉप कर लेना होगा। देखो इतना क्रॉप करने के बाद इसको पूरा एंड तक लेके जाना होगा। देखो मैंने इसको पूरा लास्ट तक लेके आ चुका हूँ। अब यहाँ पे आपको इसको रोटेट करना होगा, देखो मैंने रोटेट किया, इसको उठा लेना होगा आपको। देखो इस पर क्लिक करना होगा, फिर से इस पर क्लिक किया मैंने और इसको उठाकर आपको यहाँ पे ऊपर की तरफ लेके जाना होगा। देखो ऊपर की तरफ लेके जाने के बाद इसको अच्छी तरीके से रोटेट कर लेना होगा ताकि आपके यहाँ पे दोनों लेयर अच्छी तरीके से सेट हो सके। देखो इसको यहाँ पे रख देना होगा और यहाँ पे इस वाले ऑप्शन पे जाने के बाद आपको जूम करके भी देख सकते हो किस तरीके से आपका यहाँ पे वीडियो क्रिएट हो रहा है। तो देखो मैंने इसको यहाँ पे इस तरीके से कर लिया है। और यहाँ पे करने के बाद अब यहाँ पे आपको एक बीट को इसमें ऐड करना होगा। तो लेयर के ऑप्शन पे जाने के बाद मीडिया पे जाना होगा और मैं उसको भी ऐड कर लेता हूँ। गाइस आपको डिस्क्रिप्शन में सभी की लिंक मिल जाएगी ऑल मटेरियल के नाम से, सभी को डाउनलोड कर लीजिए। तो यहाँ पे देखो नीचे आपको स्लाइड करना होगा, यहाँ पे फिर से ब्लेंडिंग के ऑप्शन पे जाने के बाद इसको भी स्क्रीन कर लीजिए ताकि इसका बैकग्राउंड रिमूव हो सके। तो कुछ इस तरीके से देखो स्क्रीन मैंने कर दिया है और यहाँ पे इस पर क्लिक करना होगा। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे इसको रोटेट करना होगा और इसके ऊपर रख देना होगा। तो देखो यहाँ पे मैं अच्छी तरीके से बता देता हूँ आपको किस तरीके से इसको रोटेट करने के बाद यहाँ पे रखना होगा। तो यहाँ पे इतना जूम कर लीजिए इसको। तो गाइस मैंने इसको रोटेट करके यहाँ पे रख दिया है, अब आपको थोड़ा सा प्ले करके दिखाता हूँ। तो गाइज यहाँ पे बीट को रखने के बाद आपको बीट पे क्लिक करना होगा और यहाँ पे देखो इसका साउंड मिलेगा, साउंड पे क्लिक करना होगा। इसके साउंड को आपको ऑफ कर देना होगा क्योंकि इसमें साउंड यहाँ पे आपको इसका ऑफ करना होगा, क्योंकि यहाँ पे देखो नीचे टेक्स्ट में आपको इसका साउंड मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपको इसको ऑफ करने के बाद आपको मैं थोड़ा सा प्ले करके दिखाता हूँ।
करके तूने इमेज मेरा मीम बना, इस तरीके से आपका वीडियो आ जाएगा। अब यहाँ पे आपको लेयर के उसमें जाना होगा, यहाँ पे देखो मीडिया पे क्लिक करना होगा। मीडिया पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक और फोटो को मैं एड कर लेता हूँ, तो कुछ इस तरह से देखो यहाँ पे मैंने इस फोटो को एड कर लिया। इसको आपको जूम करना होगा, यहाँ पे जूम करने के बाद आपकी फोटो को यहाँ पे रख देना होगा। तो इस तरह से फोटो को रखने के बाद फोटो पे क्लिक करना होगा, इसको पूरा इसके लेंथ को यहाँ पे बढ़ा देना होगा, इसके ड्यूरेशन को पूरा एंड तक लेके आना होगा। और यहाँ पे ये वीडियो मैं इंस्टाग्राम के लिए बना रहा हूँ, तो लेयर के उसमें पे जाने के बाद इंस्टाग्राम पे मतलब यहाँ पे मीडिया पे क्लिक करना होगा। और जो भी इंस्टाग्राम की एक स्क्रीनशॉट मैंने ले रखा है, जो फैजल भाई की यहाँ पे इंस्टा आईडी का यहाँ पे स्क्रीनशॉट है, जो कि मैं इसको यहाँ पे क्रॉपिंग के ऑप्शन पे जाना होगा और यहाँ पे इसको क्रॉप कर लेता हूँ कुछ इस तरीके से। देखो यहाँ पे ऊपर और नीचे से दोनों साइड से क्रॉप करने के बाद आपको यहाँ पे इसको रख देना होगा, थोड़ा जूम आउट करना होगा और यहाँ पे नीचे यहाँ पे व्हाइट वाली जगह पे रख देना होगा और इसको पूरा एंड तक लेके जाना होगा। तो यहाँ पे आपका वीडियो कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे एक टेम्पलेट इसमें एड करना होगा, तो लेयर के ऑप्शन पे जाना होगा और मीडिया पे जाने के बाद मैं उसको टेम्पलेट को भी एड कर देता हूँ। तो गाइज यहाँ पे आपको एक टेम्पलेट मिलेगा कुछ इस तरीके से, इसको आपको सिंपल यहाँ पे रोटेट करना होगा फुल स्क्रीन करने के बाद। फिर से आपको उसी तरीके से आपको यहाँ पे ब्लेंडिंग के ऑप्शन पे जाना होगा, इस पे जाने के बाद यहाँ पे स्क्रीन कर देना होगा। तो यहाँ पे आपका वीडियो कंप्लीट हो जाएगा। मैं आपको वीडियो को प्ले करके दिखाता हूँ, अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना। तो गाइज आपने वीडियो को देख लिया, मैं पूरा प्ले करके नहीं दिखा सकता क्योंकि यार यूट्यूब पे कॉपीराइट आ सकता है। तो गाइज आपको करना क्या होगा, यहाँ पे शेयर के ऑप्शन पे जाना होगा और इस वीडियो को सिंपल एक्सपोर्ट कर लीजिए। तो बस यार इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।